गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और आज के इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप यहां पे कूपन कोड का यूज़ कर रहे हैं जिससे आपको डिस्काउंट मिलने वाला था, बट गाइस यहां पे जो भी कूपन कोड आप यहां पे डाल रहे हैं वो यहां पे इनवैलिड बता रहा है, इनवैलिड डिस्काउंट बता रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ गाइस कि कैसे आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे गाइस जो भी कूपन कोड आप डाल रहे हैं वो गाइस हो सकता है गलत कूपन कोड आपने डाला, तो जिसके वजह से आपको इस तरीके से जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो जब भी आप कूपन कोड डालते हैं तो आपको उसको अच्छे से देख के डालना है गाइस, यहाँ पे सही से कूपन कोड डालना है, ओके, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। या तो फिर दोस्तों जो भी कूपन कोड आप डाल रहे हैं वो हो सकता है कि जो है जब तक उसका लिमिट रहेगा वो लिमिट क्रॉस कर दिया होगा, यानी कि इतने दिन तक ही ये जो है वैलिड रहेगा, ऐसा अगर होगा और वहाँ पे जो है वो कूपन कोड एक्सपायरी हो गया होगा यानी कि ख़त्म हो चुका होगा, तब आपको इस तरीके से जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस कूपन कोड को यूज़ करेंगे गाइस तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो जो है सॉल्व हो जाएगी। अगर आप सही से कूपन एंटर करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ गाइज आप यहाँ पे जिस भी वीडियोस में यहाँ पे कूपन कोड वाला देख रहे हैं और तो वो जो बंदा बोल रहे हैं यहाँ पे इस कूपन कोड को अप्लाई करिए और जो है आपकी डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो आप वहाँ पे उसको कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि ये जो कूपन कोड है वो वर्क नहीं कर रहा है करके, ओके। तो इस तरीके से गाइज आप जो है इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।